आज की क्लास में हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक कि एक डिसिमल में कितना जमीन होता है, दूसरा कि एक डिसिमल में कितना धुरकी और कितना फुरकी जमीन होता है, और तीसरा कि अगर धुर का मान अगर दशमलव में रहे तो उसको किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, हर चीज को पार्ट पार्ट में बारीकी से। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए। देखिए, हम जो अभी लेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है, कि डिसमिल, ठीक है, देखिए डिसमिल, हम सबसे पहले इसमें जो हम मान लेंगे डिसमिल को पकड़ेंगे और डिसमिल पे सारे चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिसमिल पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे एक डिसमिल, ये डिसमिल है, ठीक है, डिसमिल को हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिख के भी, मतलब सिंबल दे के इसको लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरे लिख दिए हैं, इसके बाद हम पूरे डिसमिल नहीं लिखेंगे, सवाल में हम सिर्फ और सिर्फ सिंबलिक तरीका से इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक डिसमिल में जो है ना, एक डिसमिल में, चलिए इस डिसमिल को मिटा देते हैं, आप लोगों को समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, सीधे लिखते हैं, देखिए एक डिसमिल तो समझ गए, एक डिसमिल बराबर 435.6 होता है, 435.6 डिसमिल होता है, ये 435.6 डिसमिल है। ठीक है, 435.6 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, स्क्वायर फीट होता है, तो एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट जमीन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कितना दूर है, यानी एक डिसमिल में कितना दूर होगा। क्या आपको ये जानकारी लग गया कि स्क्वायर फीट में एक डिसमिल में कितना जमीन होता है, तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है, 435.6 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन एक डिसमिल में कितना दूर होता है ये कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि हम जो किस एरिया में एक दूर का मान निकाल रहे हैं, यानी एक डिसमिल को किस एरिया में, मतलब एक डिसमिल को किस एरिया में हम दूर में चेंज कर रहे हैं, क्या किस एरिया में है और किस एरिया में हम एक डिसमिल को दूर में चेंज कर रहे हैं। तो जिस एरिया में आप रहेंगे, जिस एरिया में, उस एरिया में कोई ना कोई 4 हाथ से लेके 12 हाथ की लगी में से कोई ना कोई एक लगी का मान आपके एरिया में चलता होगा। ठीक है, यानी जमींदारी लगी उसको बोलते हैं, तो वो जमींदारी लगी को आपको पकड़ना, क्या जमींदारी लगी, जमींदारी लगी 4 हाथ से 12 हाथ तक हो सकता है, लेकिन आपके एरिया में क्या होता है आपको वो पकड़ना। ठीक है, हम 6.5 हाथ पे भी देख लिए, जो मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है, सीतामढ़ी वगैरह में चलता है, पटना में देख लिए, पटना नालंदा वगैरह और कई जगह जो 5.5 हाथ की लगी चलता है वो भी देख लिए, लेकिन आज हम लेंगे 6 हाथ की लगी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं सर 6 हाथ ही बताइए। ठीक है, तो 6 हाथ की लगी लेंगे और 6 हाथ की लगी से जो है ना हम क्या करेंगे, डिसमिल को हम धूर में बदलेंगे, और ये नहीं है आपके एरिया में जो भी चलता है यहाँ पे आप लगी का मान पुट करेंगे वही निकल जाएगा। ठीक है, यानी पुट करेंगे वो आपके एरिया का वो चीज बन जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है कि अलग चीज है कुछ अलग नहीं है, या आपका एरिया का चीज है, ये एग्जांपल ले रहा है और उस एग्जांपल में किसी भी एरिया से है कहीं से भी आप फिट कर दीजिएगा वो आ जाएगा। और आपको बता दें, जो व्यक्ति अगर बिहार झारखंड के अलावा कहीं और से है, ठीक ना, तो आपको बता देते हैं बहुत जगह जो है दूर को विश्वांशी बोला जाता है। ठीक है, तो दूर या बोले विश्वांशी, तो विश्वांशी भी आपको विश्वांशी यानी दूर वही होता है। ठीक है, तो विश्वांशी निकालना सीख रहा है। ठीक है, तो विश्वांशी तो हम लिख देंगे, सबसे पहले होता है दूर, हम निकालेंगे दूर, तो दूर दूर बराबर होता है लगी स्क्वायर, क्या लगी स्क्वायर, लगी स्क्वायर दूर बराबर होता है लगी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बात है कि लगी क्या है, तो लगी हम कितनी हाथ की ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगी बराबर लिख सकते, ये धूर का ये सूत्र है, ये क्या है, धूर निकालने का फॉर्मूला बोलिए, ये फॉर्मूला है, यानी धूर बराबर लगी स्क्वायर, ये धूर है, धूर बराबर लगी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे साथ के, लगी कितना हो गया, हम लगी अभी आपको बताए हैं, चलिए छोटा छोटा लिखते हैं, लगी हम आपको बताए हैं कितना 6 हाथ, लगी कितना है 6 हाथ का है, तो अब हम क्या करेंगे 6 हाथ,
तो देखिए अब हमको यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है और आप लोग भी समझिएगा कि अगर हम लगी अगर धूर निकाल रहे हैं ठीक है ना, और हमको पहले से ऑलरेडी कोई मान दिया है, जैसे यहाँ डिसमिल का मान दिया है स्क्वायर फीट में या स्क्वायर करी में कुछ में, तो जिस चीज में हम लिए हैं तो कोशिश मतलब यही दिमाग में रखना है कि उसी यूनिट में, ठीक है, यानी स्क्वायर फीट में है तो फीट में लगी को बदल दे, यानी छह हाथ की लगी है उसको हम क्या करेंगे फीट में बदल लेंगे, क्या चीज में फीट में, तो छह हाथ की लगी को फीट में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस सूत्र में फॉर्मूला में बैठा के निकाल देंगे। तो देखिए छह हाथ की लगी होता है और एक हाथ में होता है डेढ़ फीट, एंड डेढ़ फीट बोलो तो 18 इंच, एक हाथ में 18 फीट होता है, ठीक है, सॉरी एक हाथ में 18 इंच होता है, तो हमको छह हाथ निकालना है तो छह हाथ में होता है 9 फीट हो जाएगा। ये किस प्रकार, देखिए एक हाथ बराबर डेढ़ फीट, कितना डेढ़ फीट, ये फीट है, ठीक है डेढ़ फीट, ठीक है, तो छह हाथ बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है छह हाथ में बराबर हो जाएगा यानी डेढ़ गुने छ यानी ये हो गया 9, कितना 9 फीट। तो लगी का मान जो है ना छह हाथ में हो गया 9 फीट, तो ये समझिए 9 फीट है। अब हम इसको इस सूत्र पे बैठाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए धूर बराबर, तो धूर बराबर हम क्या बोल सकते हैं लगी स्क्वायर, ठीक है, देखिए धूर बराबर लगी, लगी कितनी हाथ की लगी है, लगी का मान कितना, देखिए लगी का मान कितना है 6 हाथ है, तो यहाँ पे हम 6 हाथ लिख सकते हैं, 6 हाथ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं अवश्य, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाथ लिख दिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो एक धूर का मान निकल जाए, लेकिन याद रहे हमको 6 हाथ को जो है ना तो हमको फीट में बदलना है, क्यों बदलना है, क्योंकि मान जो है ना ये मान हम जो डेसिमल का मान को जो कन्वर्ट करने वाले हैं धूर में, जिस मान को वो मान है फीट में, तो इसलिए हम क्या करेंगे लगी को, लगी का जो मान है उसको हम फीट में बदल लेंगे, तो लगी का मान है 6 हाथ, 6 हाथ को फीट में बदले तो कितना आ गया है 9 फीट, देखिए 9 फीट, तो यहाँ पे हम 9 फीट इसको लिख सकते हैं 9 फीट, ठीक है, 9 फीट का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसका सूत्र में बैठा दिए, ठीक है, देखिए सूत्र में बैठा है धूर था धूर, लगी स्क्वायर था, तो लगी कितना आ गया 6 हाथ, लगी कितना है 6 हाथ, तो 6 हाथ दे दिए, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, अब देखिए इसको हम क्या कर दिए फीट में चेंज कर दिए, तो 9 फीट हो गया, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 81 फीट हो जाएगा, क्या 9 बाई 81, तो ये 81 स्क्वायर फीट हो गया, तो एक धूर में हमको पता चल गया कि 6 हाथ की लगी से 81 स्क्वायर फीट होता है, समझ रहे, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, एकदम खाली समझते रहिए स्टेप बाय स्टेप, एकदम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे एक डिसमिल को क्या चीज में बदलेंगे, हम बदलेंगे धूर में एक डिसमिल को, देखिए एक डिसमिल में धूर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 435.6 भागा 81 स्क्वायर फीट, इसमें भी स्क्वायर फीट है, ठीक है, और इसमें भी स्क्वायर फीट है, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट कट गया और यहां पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 5.6, ठीक है 5.377 ऐसी करके आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन आप भी कीजिए कितना आ रहा है, सही है, ठीक, देखिए इतना, ये क्या निकला, ये धूर निकला, ये धूर है, हम क्या लिख रहे हैं एक डिसमिल में धूर बराबर, तो इतना ये धूर निकल गया, क्या निकल गया, धूर निकल गया, तो गौर कीजिए हम आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर दिए हैं, यानी दो टॉपिक कवर हो गया, पहला ये एक डिसमिल में कितना जमीन होता है और दूसरा एक डिसमिल में कितना धूर होता है, ठीक है, तो एक डिसमिल में 5.377 धूर होता है, ठीक है, आप बोलेंगे दशमलव के बाद सर बहुत सारे अंक था दीजिए हम क्यों लिए, बहुत सारे व्यक्ति का क्वेश्चन होगा, तो पहले बात समझिए दशमलव के बाद दो अंक तक लिया जा सकता है, मतलब ले सकते हैं दो या तीन अंक लेते हैं, ठीक ना, लेकिन हम यहाँ पे दशमलव के बाद अगर मतलब अगर अंक जो है अगर ज्यादा रहेगा एक या एक से अधिक रहेगा तो हम
मतलब एक या एक से अधिक रहेगा, ठीक है, यानी एक या दो से अधिक रहेगा, ठीक है, यानी समझिए दो से अधिक रहेगा, यानी दशमलव के बाद पांच अंक रहेगा, सात अंक रहेगा, दस अंक रहेगा या तीन अंक रहेगा। तो हम दूर का जो मान कभी भी निकालेंगे ना, अगर उसमें मान हमको लेना है और दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हैं, ठीक है, अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक ही अंक लेंगे, दो है तो दो ही लेंगे, और तीन है तो तीन ही तक लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद आप तीन ही अंक तक लेना है। अगर दूर में मान निकले तो क्या याद रखेगा कि दूर का मान अगर निकाल रहे हैं दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ रहा है तो आपको तीन अंक तक ही लेना है, तीन अंक तक लेना है, उससे अधिक नहीं। दशमलव के बाद एक दो तीन अंक है, तीन अंक तक ही लेना है। क्यों लेना है सुनिएगा, क्योंकि देखिए धूर धूर से जस्ट छोटा होता है धूर की, उसके बाद होता है फुर की, उसके बाद होता है चुर की, तो ये तीनों को निकालने के लिए हमको इस मतलब दशमलव के बाद तीन अंक लेते हैं, यही तक जाना है, ठीक है। तो दशमलव के बाद धूर का मान अगर लेंगे, दशमलव के बाद जब बहुत सारे अंक लेंगे उसमें से तीन ही अंक लेंगे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्यों देखिए इसका कारण है, ठीक है, अगर आप तीन अंक लेते हैं तो धूर की और चुरकी तक निकाल सकते हैं, और दो अंक लेंगे तो धूर की और फुरकी तक निकाल सकते हैं, यही सब निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें तीनों निकालेंगे। तो दशमलव का मान जो है ना, धूर का मान दशमलव है, इसको किस प्रकार हम बारीकी से पार्ट बाय पार्ट लीजेंगे, पूर्ण संख्या में, यानी कहने का मतलब है टूटा फूटा नहीं, दशमलव वगैरह नहीं लगाए, पूरे पूरे लिखेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाले अंक को हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव पांच दूर तो हो गया, दशम पांच दशमलव तीन सात सात दूर, तो ये तो हमको पता चल गया ये पांच दूर है, लेकिन दशमलव तीन सात सात को क्या पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये समझने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग से लिखते हैं, तो हमको पता चल गया कि एक डिसिमल में 5.377 दूर होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे इस चीज को समझा रहे हैं और इसको रंगने देते हैं, जिससे आपको बारीकी से समझेगा। और यहाँ पे हम आपको इतना ही नहीं, आपको धूर धूर की फुर्की के साथ साथ कनवा भी पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कनवा भी पढ़ाएंगे। कनवा को बहुत सारे कनवा बोलते हैं, कई कनवा बोलते हैं, ठीक है, कनवा। तो इसको कनवा में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम जो है ना आपको बारीकी से इसको लिखना समझाते हैं। देखिए एक डिसमिल बराबर 5.377 धूर हो गया, क्या हो गया, ये धूर हो गया, ठीक है, धूर हो गया। तो ये तो दशमलव में है, लेकिन इसको लिखेंगे तो देखिए पांच धूर, इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पांच धूर, तो देखिए पांच धूर, इसको लिख दिया पांच धूर, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, इसको दशमलव, यानी दशमलव जो है दशमलव जीरो ले लेते हैं, दशमलव को स्पष्ट कर देगा, दशमलव तीन सात सात, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको तो पांच धूर पढ़ लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जो अंक है उसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति फंसते हैं, कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है कि इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे व्यक्ति इसको पढ़ने लगते हैं कि पांच धूर और तीन धूर की गलत है, पांच धूर या तीन धूर की पढ़ने लगते हैं, अब बहुत सारे व्यक्ति पांच धूर या तीन कनवा पढ़ने लगते हैं, तो वो गलत है। इसका सिस्टम से देखिए, सिस्टम से समझिएगा तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, पहला अंक को दूर से गुना करना है, क्या पहला अंक को दशमलव के बाद पहला अंक उसको दूर से गुना करके यहाँ पे लिखना, यानी छ, और दूसरे उसके बाद जो अगला है उसको क्या करेंगे, एक लिखा गया, ठीक है, दूसरा को आठ से गुना करेंगे, देखिए इसका काम हो गया, ये दूसरा इसको जो है ना, इस सात है ना, अच्छा से थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, इसको थोड़ा फैला के हम लिखते हैं जिससे आपको समझ में अच्छा से, दशमलव तीन सात सात, ठीक है। तो पहला अंक को हमको दो से गुना करना है, क्या दो से गुना करना है, ऐसे गुना तीन को हमको दो से गुना करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे समझने वाले, तीन गुना छ हम लिख रहे हैं, तीसरा को गुना करना है दो से,
तीसरा को गुना पहला को सॉरी पहला को गुना करना है, पहला को गुना करना है दूसरे, दूसरा को गुना करना है, देखिए दूसरा को गुना करना है चार से, कितना आ जाएगा सात चौक अट्ठाईस, और चौथा को गुना करना है आठ से, ठीक है कितना से आठ से गुना करना है आठ से, तो कितना का सत्य छप्पन, ठीक है तीन ये पार्ट बट गया, ठीक है अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, अब खेल यहां से चालू होता है। अब क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इधर से दायां बगल से, गौर कीजिएगा दायां बगल से हम 20 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या करेंगे 20 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, और भागफल को क्या भागफल जो आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे और शेष फल को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है तो देखिए 20 से इसको भाग देंगे तो ये दो बार में 40 आ जाएगा और शेष बच जाएगा 16, और दो जो बचा ना इसमें जुट जाएगा, क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, तो 30 हो गया। अब 30 को हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे तो भागफल एक आ रहा है, ठीक है भागफल एक आ रहा है और शेष बच जाएगा कितना 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और भागफल ये जो है एक बचा है इसमें जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी कुल मिला के देखा जाए ठीक है ये क्यों 7 ही रह गया क्योंकि इसमें 20 से भाग नहीं लगेगा, जिसमें 20 से भाग लगेगा उसको शेष फल को यहाँ पे लिख दिए और भाग फल को आगे वाला जो आगे में जोड़ के उसको फिर 20 से भाग दे देंगे, शेष फल को लिखेंगे फिर उसमें भाग फल आएगा फिर आगे वाले में जोड़ेंगे फिर उसको 20 से भाग देंगे, लेकिन 20 से भाग कब देंगे जब 20 से अधिक रहेगा तो, क्या 20 या 20 से अधिक रहेगा तो, क्या 20 और 20 से अधिक रहेगा तो, अन्यथा 20 से कम रहेगा तो भाग नहीं लगेगा, ठीक है नहीं देना, ये रूल है अमीनी अमीनी स्केल्स का ये रूल है, ठीक ना तो देखिए गौर कीजिएगा हम एक और तरीका बताएंगे, अभी ये हम तरीका बता रहे हैं एक और तरीका बताएंगे, यहाँ आपको तीन तरीका से हम बताएंगे, तीनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगेगा वो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है देखिए एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं, क्या करेंगे इस प्रकार हम लिख दिए पहला अंक को दो से गुना करके छह, दूसरा को चार से गुना करके अट्ठाईस, और फिर तीसरा को हम आठ से गुना करके छप्पन, अब इसको 20 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, जो 20 से अधिक रहेगा उसमें ही भाग देना है बाकी में नहीं देना है, ठीक ना 20 से अधिक रहेगा यानी कह रहे 20 या 20 से अधिक रहेगा, क्या 20 या 20 से अधिक रहेगा, तो ये 20 से अधिक है तो दो बार में आ जाता है 40, तो 40 जो बता है शेष इसमें जुट जाएगा सॉरी भागफल इसमें जुट जाएगा, क्या भागफल जुट जाएगा और शेष यहाँ लिखा है, फिर ये 30 हो गया फिर 20 से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो शेष 10 बच गया, अब भागफल हो गया एक, एक आगे वाले में जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार कर दिया ये हो गया, ये ऑटोमेटिक पार्ट पार्ट में टूट गया, देखिए पार्ट पार्ट में ये सब टूट गया, अब इसको पढ़ेंगे किस प्रकार, तो देखिए पांच धूर लिखा गया दशमलव के बाद तीन अंक है उसको क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए पांच धूर और ये जो है ना इसके बाद जो है ना ये सब लिखेंगे, इसके बाद ये सब आ गया ठीक है ना, पांच धूर और सात धूर की, ठीक है बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं कि फर्स्ट बार सुनते हैं लेकिन नया चीज अमीन की भाषा है, ठीक ना अमीन की भाषा और चीज बताएंगे, तीन तरीका बताएंगे यहाँ पे, तो सात धूर की पांच धूर सात धूर की और दस धूर की फूल की, दस फूल की और 16 चूर की, ठीक है तो देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, इसको अगर बोले आपको बोला जाए कि इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए पांच धूर इसको पूरा को पढ़िएगा, पांच धूर सात धूर की दस फूल की 16 चूर की, ये 16 चूर की है ठीक है, तो ये किस प्रकार देखिए, तो ये हर चीज को बारीकी से अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया, ये एक तरीका है, ये तरीका आपको समझ गया होंगे ठीक है, इसके बाद ठीक है इसके बाद मान के चले ये तो आप समझ गए ठीक है, समझने के बाद ये समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी लेना है इसको जो है आराम से जो है ना आप लोगों को क्या करना है नोट करते जाना है, जो सीरियस है ठीक ना, नहीं सीरियस है तो फिर वो सब जो है ना ये सब बिना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक ना, समय बर्बाद कर रहे हैं और दिक्कत करेगा उन सबको ठीक है, क्योंकि ये जो नॉलेज है नॉर्मल लोग अमीन बने या ना बने लेकिन जिंदगी भर ये नॉलेज आपको काम देगा, कहीं भी कोई भी समस्या रहेगा बात कर देंगे, दो लाइन दो बार थोड़ा लिख ही देंगे ये वर्ड ही बोल देंगे ना तो बहुत व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हम आपको तो बता दें, अब हम इस चीज को बताएंगे कि अगर आपको इससे भी शॉर्ट में लिखना है यानी धूर की फुड़की चुड़की को हमको नहीं लेना है, धूर के बाद नेक्स्ट करना,
देखिए कभी भी आपको धूर यूज करेंगे तो ये तीन वो चीज यूज नहीं करेंगे, धूर की, फुड़की और चुड़की। क्या धूर की, फुड़की, चुड़की? धूर के बाद कनवा आएगा, धूर के बाद कनवा आएगा। अगर कनवा यूज नहीं करते उसके बाद आप बारीकी से निकालेंगे तो धूर की फुड़की चुड़की तीनों आपको आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप धूर की फुड़की चुड़की में लाना है तो आप कनवा का यूज नहीं करेंगे, अगर कनवा का यूज करेंगे तो इस तीनों का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? ये वो इसका, इसका और ये किसका, यानी तीनों का यूज नहीं करेंगे। धूर के बाद जो है, धूर से जस्ट छोटा कनवा होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन अगर धूर यूज ना करके अगर ये सब यूज करते हैं तो धूर से छोटा धुड़की होता है, धुड़की से छोटा फुड़की होता है, फुड़की से छोटा चुड़की होता है, सबसे छोटा चुड़की होता है। लेकिन अब हम कनवा निकालेंगे, कनवा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इतना आम जाम नहीं रहता है, एकदम सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये आ गया पांच दूर दशमलव, यहाँ पे दशमलव 377 है, इसको धूर कनवा में निकालना है। तो एक धूर में 16 कनवा होता है, एक धूर में 16 कनवा होता है, उस कारण से इसको 16 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 12 कनवा आ जाएगा। क्या 12.35 के आसपास आएगा, लेकिन इतना आप 12 ही लिख सकते हैं। तो 12 कनवा, या इसको कनवा कोई कितने व्यक्ति जो है ना, कनवा कोई बहुत सारे व्यक्ति कनवा लिखते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कनवा बोलिए या कनवा बोलिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे 5 धूर और 12 कनवा, बस सिंपल, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति धूर के बाद कनवा जानते हैं, धूर की फुड़की चुड़की तो सुने भी नहीं रहते, ठीक है। तो इस प्रकार है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं दो तरीका, तो दो टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक तरीका बताए जिस तरीका में आप जो है बहुत सारे यहाँ कैलकुलेशन किए थे उसके बाद निकाले थे। और एक तरीका है, जैसे आपको देखिए यहाँ पे दशमलव 377 है, ठीक है ना। अब इसको आपको निकालना होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि धूर के बाद धुड़की ही ले, क्या धूर के बाद धुड़की ले, इसको 20 से गुणा करेंगे ना तो आपको मान धूर में आएगा, ठीक है। 20 से उसको गुणा कीजिए, तो कैलकुलेटर लाइए, नहीं तो 20 से गुणा कीजिए, ठीक है। इसको 20 से जब गुणा करेंगे ना आप तो कुछ मान आएगा, तो वो जस्ट धूर से छोटा आएगा, तो धुड़की का मान आएगा, क्या धुड़की का मान, देखिए। अब फिर धुड़की का मान फिर जो दशमलव में आएगा उसको फिर भाग देंगे तो वो आपका आ जाएगा फुड़की का मान, और फिर फुड़की का मान दशमलव में उसको आप क्या बोलते हैं 20 से फिर गुणा करेंगे, सबको गुणा करते जाना 20 से, तो वो चुड़की आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो क्लास लेंगे तो 12 हो जाएगा। इस चीज को जो है ना हम कल वाले क्लास में जो है ना उसको बारीकी से पढ़ाएंगे, आगे वाले जो क्लास आएगा उसको उसमें बताएंगे। और ये जो अभी आप इससे पहले जो है धूर की फुड़की चुड़की निकालेंगे, उससे बहुत मतलब ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, एक कैलकुलेशन 20 से करना है आपको, बारी एकदम खटाकदम निकल जाना है, वन क्लिक। और अगर आप जो स्टूडेंट फुल्ली अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरी बेसिक से एडवांस पूरे फील्ड ट्रेनिंग के साथ, और अमीन ही नहीं एक चैलेंज करने वाले अमीन बनना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और उसके आधार पे आप कहीं भी नापी वगैरह कर सकते हैं, और लाइसेंस वगैरह भी आप कहीं भी बनवा सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट कहीं भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट यूज करें, तो आप कहीं भी सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे बिहार और पूरे झारखंड में मात्र यही एक ट्रेनिंग सेंटर है जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की पोर्टल पे शो करती है, वो भी अमीन कोर्स के साथ, ठीक है। तो करना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं, स्पेशल चाहते हैं कि बुक ले हम, और बुक के थ्रू जो भी है नॉलेज ले, तो आराम से आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। और आपको बुक घर बैठे आप मंगा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है, हार्ड कॉपी में लीजिए या सॉफ्ट कॉपी में लीजिए, यानी अगर आप पीडीएफ फॉर्म में भी लेना चाहते हैं तो वो भी 1 सेकंड में आपके मोबाइल फोन पे चला जाएगा, अन्यथा हार्ड कॉपी में भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।